हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट वन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ये एक डिफरेंट ब्रांच है, अलग ब्रांच है फिजिक्स का, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स स्थिर। तो स्टैटिक मीन्स ऐसी चार्ज जो मूव ना करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये हो गया कि स्थिर चार्ज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो सबसे पहले अमेरिकी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उन्होंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया। तो क्या हुआ, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है कि ट्रांसफर हो गए, कहाँ पे, सिल्क पे। तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज हो गया और सिल्क में नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों हुआ ये समझिए। तो न्यूट्रल अवस्था में, जब न्यूट्रल होता है ग्लास रॉड, तो जब सिल्क से नहीं रगड़ा होता जाता है तब क्या होता है, ग्लास रॉड में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिफरेंट सेल्स में, ये इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इससे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है और ग्लास रॉड न्यूट्रल होता है। सेम सिल्क में भी वही होता है, लेकिन जब इसे रगड़ा जाता है ग्लास रॉड को सिल्क में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे ये मान लीजिए ग्लास रॉड की संरचना है, कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे तो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए ये ग्लास रॉड है रॉड, और ये मान लीजिए सिल्क है, सिल्क का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें प्रोटॉन हो गया, इसमें डिफरेंट सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसको हम रब किए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, कहाँ से, ग्लास रॉड से सिल्क में ट्रांसफर हो गया। अब जिसके कारण यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे हो गए आपके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसका। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले कितना था, मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले 8 था, पहले 10 थे, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में 8 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, कहाँ पे, ग्लास रॉड पे, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ गया, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया। इसके अपोजिट सिल्क में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ज्यादा हो गए, हाँ ये ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गए, तो एक डिफरेंट सेल में इसमें ऐड हो गए दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए किसमें, सिल्क में, इसलिए नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए सिल्क नेगेटिव हो गया, ठीक है।
उसी तरह सेकेंड एक्सपेरिमेंट में प्लास्टिक रॉड को उल से रगड़ा गया तो क्या हुआ, प्लास्टिक रॉड में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, कहाँ से, उल से, और जिसके कारण डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और नेगेटिव चार्ज, वो प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज हो गया। जस्ट उसके विपरीत उल में क्या हुआ, उल में नेगेटिव चार्ज कम हो गए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई और प्रोटॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए उल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का विश्लेषण, डिस्क्रिप्शन। और इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले दो डिफरेंट चार्ज का के बारे में बताया। उन्होंने और ये भी बताया कि लाइक चार्जेस जो हैं रिपेल करेंगे, विकर्षित होंगे, अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपेल होगा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह के दो चार्जेस की जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होना, इसको क्या कहते हैं, पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। अच्छा, नेट चार्ज यदि जीरो हो तो उसको क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल कहेंगे। नेट चार्ज यदि पॉजिटिव, नेट चार्ज किसको कहेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज माइनस टोटल नेगेटिव चार्ज, वो यदि इसका वैल्यू यदि जीरो हो तो वो न्यूट्रल है, वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। यदि टोटल पॉजिटिव चार्ज माइनस टोटल नेगेटिव चार्ज यदि पॉजिटिव हो, बड़ा हो टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो उसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और टोटल नेगेटिव चार्ज यदि टोटल पॉजिटिव चार्ज से बड़ा हो तो उसे नेगेटिवली चार्ज कहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट आया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें क्या पाया गया कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो आउटर सेल में कुछ लूजली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एटम का यदि कंस्ट्रक्शन देखें तो ऐसा होता है, तो डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जब वो न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो नेट चार्ज न्यूट्रल होता है। अब कुछ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ सॉलिड्स में, वो क्या होता है कि ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में। ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाता है। इसके ट्रांसफर होने से जो जो एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, नेट चार्ज जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। क्यों क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा ज्यादा होता है, मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। इससे क्या होता है, पहले दोनों बराबर था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से बढ़ जाती है, जिसके कारण यह पॉजिटिव हो जाता है। और इसके विपरीत यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लेता है, पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा ले रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो रही है नंबर प्रोटॉन से, तो क्या हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण, फ्रिक्शनल के फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण ये दो तरह के चार्ज में डिवाइड हो जाते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इस पूरे फिनोमेना को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं हम कैसे जानेंगे, हाउ विल यू नो दैट इफ ए ऑब्जेक्ट कंटेन्स चार्ज और नॉट। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, वो बताता है किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है क्या नहीं। ठीक है, अब
इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं, तो ज़्यादा एक्यूरेसी किस में होती है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में होती है। तो इसकी बनावट कुछ इस तरह की होती है, ये कांच का ये जार होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक मेटल रॉड होते हैं, ये आपको दिख रही है, ये मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है, और यहाँ पे गोल्ड लीफ होते हैं, ये दो गोल्ड लीफ होते हैं, गोल्ड लीफ। ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस ग्लास रॉड को हमने ये मेटल मेटल रॉड पे रखा, ये क्या है, मेटल रॉड रॉड। और ये जो है ये रबड़ है, यहाँ पे रबर रबर और कॉर्क का बना होता है ये। ठीक है, तो अब मेटल रॉड पे जैसे ही टच किया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मेटल रॉड पे आ गया, और मेटल रॉड से यहाँ पे कहाँ पे आ गया, गोल्ड लीफ पे हो गया। तो गोल्ड लीफ पहले सटा हुआ था, ऐसे था, इस पोजीशन पे था गोल्ड लीफ, लेकिन जैसे ही उसमें पॉजिटिव चार्ज दोनों में आ गए तो उनका डिफ्लेक्शन हो गया, हाँ रिपल्सन हुआ, तो ये फैल गए। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि ये जो ग्लास रॉड है वो चार्ज्ड ग्लास रॉड है। ठीक है, तो ये हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स वो हैं जो इजीली चार्ज को अपने थ्रू पास करने देते हैं, उसको कंडक्टर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स वो हैं जो इज अपने थ्रू चार्ज को पास नहीं करने देते हैं, या चार्ज नहीं पास करने देते हैं। तो कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में ये पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर्स में, और जिसके कारण कोई भी चार्ज उसमें से इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से हो सकता है कंडक्टर के थ्रू। लेकिन उसके ऑपोजिट इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, इसलिए वो इंसुलेटर अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। कंडक्टर्स का कुछ एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी, सारे मेटल्स, एनिमल, प्लांट, ये सब हो गया कंडक्टर्स। अर्थ, अर्थ भी कंडक्टर्स हैं। अच्छा, इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं सारे नॉन मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक, ऊल, ये सारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस या तो कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इसके बीच में भी एक सब्सटेंस होता है जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, वो पार्शियली अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब जो तो हम यदि डेफिनेशन लिखें तो कंडक्टर्स अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, और इंसुलेटर्स डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, और सेमीकंडक्टर्स पार्शियली अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हो गए ह्यूमन बॉडी, मेटल्स, ये सब। इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो गए नॉन मेटल्स, प्लास्टिक्स, ऊन, ग्लास, और सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल हो गए ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, वो पूरा कोई चार्ज पास करते हैं तो क्या होता है, वो पूरे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ऑपोजिटली इंसुलेटर में जब कोई चार्ज पास करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो एक ही जगह पर रहता है, एक ही जगह पे वो रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को
अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो एक्सेस जो चार्ज है उस ऑब्जेक्ट का वो ग्राउंडेड हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को ग्राउंडिंग कहते हैं या अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है। तो तीन तरह के वायर होते हैं नॉर्मली, तो लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है। तीन तरह के वायर होते हैं, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ। तो अर्थ जो वायर होता है वो एक हेवी मेटल प्लेट अर्थ में अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, और एक वायर जो है वो हमारे बिल्डिंग के कनेक्शन में ऐड कर दिया जाता है। तो चाहे कोई भी अप्लायंसेस हो, आयरन लीजिए, फ्रिज लीजिए, रेफ्रिजरेटर या टीवी लीजिए, उसमें तीन तरह के वायर होते हैं, एक होते हैं लाइव वायर, एक दूसरा न्यूट्रल, जो कि पावर स्टेशन से आते हैं ये दो वायर, और एक अर्थ जो होता है वो हमारे बिल्डिंग के नीचे एक हेवी मेटल होता है उसमें से ऐड कर दिया जाता है। तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो अप्लायंसेस नष्ट नहीं होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी अर्थ में चली जाती है, ठीक है। इस फेनोमेना को ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये देखा गया कि ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट ही नहीं बल्कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्शन में भी अट्रैक्शन होती है। एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक न्यूट्रल, एक चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। कैसे, ये एक फेनोमेना है इंडक्शन। तो एक क्या करेंगे, एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेंगे और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेंगे। ये पहले न्यूट्रल है, ये ग्लास बॉल है, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है। अब जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे, ध्यान रखिए टच नहीं करना है, सिर्फ पास लाना है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स को हैं इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस लेयर में आ जाएंगे, इस लेयर में, इस सारे लेयर में इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। सारे इस पूरे ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन इस लेयर में इकट्ठा हो जाएंगे, इस सतह में, इस सरफेस में, और इसके विपरीत सारे पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट सरफेस में एकत्र हो जाएंगे। लेकिन लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिवली चार्ज ये सेम है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, लेकिन इनका, इनके ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सरफेस होगा ये क्या हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन या अट्रैक्शन कह लीजिए, ये अट्रैक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस ग्लास रॉड को ये अट्रैक्ट करने लगेगा। लेकिन यहां पे सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज बाय इंडक्शन, टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पास में ले आ रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो इसमें क्या है कि चार्ज को रियल नंबर की तरह हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, ये सब चार्जेस हैं, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं एक रियल नंबर की तरह, एक फिर एक चार्ज मिलेगा जो कि इसको सम करने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये सेम है आपका मास की तरह, जैसे मास को भी ऐड कर सकते हैं तो चार्ज को भी हम ऐड कर सकते हैं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक वाइटल डिफरेंस है मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में, वो क्या है कि मास सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, मास क्या होता है सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, हाँ, लेकिन चार्ज क्या हो सकते हैं, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम ऐड करना चाहें प्लस टू कूलम और माइनस थ्री कूलम और प्लस 10 कूलम को, तो कैसे ऐड करेंगे, टू कूलम माइनस थ्री कूलम प्लस 10 कूलम, तो टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा 12, 10 और 2 12, 12 माइनस 3 9 कूलम, ऐसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड, एनर्जी के तरह चार्ज भी कंजर्व्ड होते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम के टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बस एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तरह चार्ज भी को भी चार्ज इज कंजर्व्ड, ये एक थ्योरी है, प्रॉपर्टी है चार्ज की। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है उसमें क्या देखा कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसको माइनस ई से लिखते हैं और एक प्रोटॉन का चार्ज उसको प्लस ई से लिखते हैं या पी भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मान लीजिए कोई किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज क्यू है तो हम इसको एन ई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सबसे पहले ये फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सजेस्ट किया और मिल्कन ने 1912 में सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट किया इसको। हाँ, एक्सपेरिमेंटली इनको डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ठीक है, इसको सी से डिनोट करते हैं। अब है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बड़ा सिंपल है, ये देखिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो कूलम्स लॉ कहता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, तो हम लिखेंगे F, मान लीजिए इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, तो Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, आर स्क्वायर है, आर डिस्टेंस है, उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दोनों, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं
तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू डालते हैं, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा, वो मान लीजिए के है, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू निकाला गया, के इज इक्वल टू लिखा गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए ई आर का वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, फॉर वैक्यूम। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अलग अलग यदि उसमें मीडियम हो, जैसे कि मेटल हो, मेटल के लिए ईआर का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, वाटर हो, ईथर हो, तो अलग अलग मीडियम के लिए इनका वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन ईआर का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ये याद रखिए। ये हो गया आपका न्यूटन्स, अच्छा न्यूटन्स लॉ और उसका डेरिवेशन, कूलम्स लॉ और उसका डेरिवेशन। अब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट आईआईटी जेई और अदर एग्जाम्स के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशनली हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम क्यू वन क्यू टू अपॉन एफ आर स्क्वायर, इनका डायमेंशन लिखेंगे। तो क्यू वन क्यू टू का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए टी, ठीक है, ए टी, और उसका स्क्वायर कर देंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखेंगे? फोर्स का ऑलरेडी हमें पता है एम एल टी माइनस टू, क्लास 11th में हमने पढ़ा है, और आर का एल टू, ये हो गया इसका डायमेंशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम, ऊपर जाएगा एम माइनस वन, एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस थ्री, 3 एल है यहाँ, 2 1 3, और टी ऊपर जाएगा, टी 3 हो जाएगा, टी यहाँ पे 2 है, ऊपर 1, ऊपर 2 है, 4 हो जाएंगे, टी 4 हो जाएंगे, और ए ए 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें कंसिडर कीजिए क्यू वन और क्यू टू दो चार्जेस हैं, क्यू टू के कारण क्यू वन पे लगने वाला जो फोर्स है वो है एफ वन टू, और क्यू टू पर क्यू वन के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो है एफ टू वन। पोजिशन वेक्टर क्यू वन का है वो आर वन टू, पोजिशन वेक्टर क्यू टू का है आर टू वन। दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्यू वन और क्यू टू के बीच का डिस्टेंस है आर। ठीक है, ये सारा चीज दिया गया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आर टू वन और आर वन टू का डायरेक्शन अलग होता है, मीन्स अलग है,
जस्ट ऑपोजिट है, R12 इज इक्वल टू R21, ठीक है। तो अब हम न्यूटन्स कूलम्स लॉ लगाएंगे इस पे, तो F12 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F12 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/4πε0 Q1 Q2 by R2, ठीक है। और एक यूनिट वेक्टर होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, R21 के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहां पे R21 फोर्स किधर लग रहा है, ये 12 किधर फोर्स लग रहा है, इस साइड है, ये एरो देखिए इस साइड है। यूनिट वेक्टर R21 का भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा लिखिए, F21 जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा कूलम्ब के नियम के हिसाब से, 1/4πε0 Q1 Q2 by R2, लेकिन F21 का फोर्स का डायरेक्शन देखिए, तो यूनिट वेक्टर R कौन सा डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर R होगा 12 के डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब इस हिसाब से यदि हम देखें तो हम क्या बैठा सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4πε0 Q1 Q2 upon R2, और R12 के बदले में हम लिख सकते हैं -R21, कहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, F12 को कंपेयर कीजिए तो क्या हो जाएगा, -F21, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ये देखा गया कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। तो ये तो दो चार्ज जब एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन इसका एक अलग डेरिवेशन हम अभी बताएंगे, जब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लेंगे तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दो चार्जेस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, XYZ, हाँ, Q1 और Q2 है, Q1 A पे रखा हुआ है, Q2 B पे रखा हुआ है। तो ओरिजिन O से Q1 का डिस्टेंस है वेक्टर R1 और ओरिजिन O से Q2 का डिस्टेंस है वेक्टर R2। Q1 पे फोर्स जो लग रहा है Q2 के कारण, वो फोर्स है F12, जिसका डायरेक्शन इस साइड है, एरो दिया गया है। और Q2 पे Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो है F21, जिसका डायरेक्शन ये एरो से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ इस पे लगाएंगे, तो कूलम्ब्स लॉ लगाने से पहले हम लोग AB का डिस्टेंस वेक्टर निकाल लेते हैं। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्मूला से OA OB इज OB प्लस BA इज इक्वल टू हो जाएगा OA, ठीक है। हमें BA निकालना है, तो BA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA माइनस OB, ठीक है। और OA का वैल्यू कितना है हमारा, OA का वैल्यू है R1 माइनस OB का वैल्यू है R2, और BA का वैल्यू मान लीजिए R ले लेते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है। R
सिर्फ आर नहीं लिख सकते हैं, इसको आर टू वन लिखेंगे, ठीक है। आर टू वन इजगल टू इतना, उसी तरह से आर वन टू क्या हो जाएगा, आर वन टू हो जाएगा जैसे कि ए बी यदि कहें, आर वन टू मीन्स ए बी, तो कहें तो आर टू माइनस आर वन हो जाएगा, ठीक है। अब पहले तो हम ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू निकाल लिए इस दो फॉर्म में, आर टू वन और आर वन टू के फॉर्म में, ठीक है। अब कूलम्स लॉ लगाएंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो एफ वन टू इजिकल टू क्या हो जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू वन क्यू टू ये तो आएगा ही, और आर स्क्वायर, और यहां पे एफ वन टू के बदले में क्या लिखेंगे आर, देखिए एफ वन टू फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, आर टू वन का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो आर यहां पे टू वन होगा, ठीक है यूनिट वेक्टर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन यहां पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर टू वन को क्या लिख सकते हैं, आर टू वन को लिख सकते हैं ऐसे, आर टू वन को लिखा जा सकता है आर वन माइनस आर टू, ठीक है, अपॉन मॉडुलस ऑफ हाँ आर वन माइनस आर टू, ठीक है, मॉडुलस ऑफ आर वन माइनस आर टू लिख सकते हैं, आर टू वन के बदले में यूनिट वेक्टर, आर टू वन के बदले में ये यूनिट वेक्टर है तो इसको कैप लगाएंगे यहाँ पे, ये कैप होगा हाँ, और यूनिट वेक्टर टू वन के बदले में इतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए फिर, तो ये हो जाएगा ऐसे आर के बदले में क्या होगा आर वन माइनस आर टू, हाँ तो आर वन माइनस आर टू का यहाँ पे क्यूब हो गया, कहाँ से क्यूब, एक ये है और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्यूब हो गया, और ऊपर क्या बचा आर वन माइनस आर टू, ठीक है, ये एफ वन टू के बदले में हो गया, ठीक है। और एफ टू वन के बदले में फिर क्या लिखेंगे, एफ टू वन के बदले में हम लिख सकते हैं वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू माइनस आर वन का होल क्यू, आर टू माइनस आर वन का होल क्यू, और ऊपर में आर टू माइनस आर वन, ठीक है, ये हो गया, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आर आर वन टू हो जाएगा, आर आर वन टू को यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन और अपॉन मॉडुलस ऑफ आर टू माइनस आर वन, तो यहाँ पे आर टू माइनस आर वन का होल क्यू हो गया आर टू माइनस आर वन, स्क्वायर तो पहले ही था और यहाँ मॉडुलस ये मल्टीप्लाई हो गया तो आर टू माइनस आर वन का होल क्यू और यहाँ में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, तो इस तरह से भी हमने क्या पता लगाया कि F21 is minus opposite of F12, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी ये सेम रिजल्ट हमारा आया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो देखिए यहां पे Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, अलग चार्ज है, Q3 एक अलग चार्ज है और Qn एक अलग चार्ज है, तब Q2, Q3 और Qn के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स जो है
वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले Q1 पर लगने वाला फोर्स, Q2 के कारण लगने वाला फोर्स कितना है, F12 है। फिर उसी तरह Q1 पे लगने वाला फोर्स, Q3 के कारण लगने वाला फोर्स F13 है, और Q1 पर Qn के कारण लगने वाला फोर्स F1n है। ठीक है, तो एक तो आ गया कि जो फोर्स हैं Q1 पे लग रहे हैं वो सारे फोर्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो F यदि हम रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहें इज इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस F1n। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए F12 का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/4 pi epsilon naught, सब में आएंगे 1/4 pi epsilon naught, इसलिए कॉमन ले लिया। और F12 के कारण क्या लगेगा, Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। ठीक है, और एक डायरेक्शन के लिए R21 हो जाएगा, प्लस F13 के बदले में Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R31। ठीक है, और उसी तरह F1n के लिए Q1 Qn अपॉन R n1 स्क्वायर R n1 यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 1/4 pi epsilon naught ब्रैकेट में लिखिए Q1 Q2 अपॉन R21 के बदले में हम लिख सकते हैं मॉडुलस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में R1 माइनस R2। ठीक है, प्लस फिर Q1 Q3 अपॉन R मॉडुलस लिखेंगे R1 माइनस R3 का होल स्क्वायर R1 माइनस R3। ठीक है, प्लस Q1 Qn के बदले में हम लिखेंगे R1 माइनस Rn मॉडुलस का स्क्वायर R1 माइनस Rn। ठीक है, ये हो गया आपका डेरिवेशन। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, नेक्स्ट क्लास में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सेट्रा पढ़ेंगे। आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, इससे और आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आपका आज का दिन शुभ हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।